क्या खबर है बिहार में, आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब तक की मुख्य खबरों पर। अररिया के फारबिसगंज प्रखंड कार्यालय सहित आधा दर्जन विभिन्न कार्यालयों को मटियारी, शहबाजपुर और पिपरा पंचायत के बाढ़ पीड़ितों ने गुरुवार को तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त किया। बाढ़ पीड़ित सहाय अनुदान की मांग पर अड़े थे। प्रदर्शनकारियों में अधिकांश महिलाएं शामिल थी। कटिहार में मां बेटी का शव मिलने से सनसनी। मामला कोड़ा थाना क्षेत्र के कोलसी पुल के पास की है, जहां दोनों का शव पानी में मिला। शवों का अब तक पहचान नहीं हुआ है, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उनको पता चला कि दो लाश बरामद हुआ है कोलासी पुल के दक्षिण सिरे पर नदी में, जो एक बच्ची का है जो 2 साल तकरीबन की है और एक महिला है जिसका उम्र तकरीबन 25 या 26 साल के आसपास है। क्या लगता है, माँ बेटी सुसाइड कर लिया इस तरह, क्या लगता है? जी हाँ, वो देख के तो लग रहा है सुसाइड है, क्योंकि बच्चा उनके साड़ी से बांधा हुआ था, बच्ची को बांधी हुई थी वो अपने आचर में। और इसके बाद पहचान नहीं हुआ अभी तक, पहचान अभी तक तो अज्ञात के रूप में है। पुलिस आई है जी, समय पर सूचना दिया गया तो प्रशासन आई और समय से अभी तक बनी हुई है यहाँ इस जगह पे, प्रक्रिया कर रही है, पुष्टि नहीं हो पा रहा अभी तक। क्या नाम है? ब्रजेश पांडे। बिहार में शराबबंदी के बाद नीतीश सरकार ने राज्य में अब हर तरह के पान मसाले पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दिया है। ये पाबंदी फिलहाल 1 साल के लिए लगाया गया है। बता दें कि अलग अलग जिलों में जून से अगस्त के दरमियान तकरीबन 20 नामी गिरामी पान मसाला कंपनियों के सैंपल जब्त किए गए थे। इन जांच में मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक पाए जाने की वजह से ये रोक लगाई गई है। कटिहार में प्रभारी मंत्री रामनारायण मंडल द्वारा बाढ़ समीक्षा बैठक के दौरान वादे के बाद भी अब तक बाढ़ पीड़ितों को जीआर राशि उपलब्ध नहीं होने से और फसल क्षति के बाद सर्वेक्षण नहीं होने से नाराज लोगों ने प्रदर्शन का रास्ता इख्तियार कर लिया है। परानपुर प्रखंड प्रमुख अमित शाह के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और ग्रामीण प्रतिनिधि प्रखंड कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन आमरण अनशन कर रहे हैं। ग्रामीण प्रतिनिधियों ने कहा कि अंचलाधिकारी अपने मन मर्जी से सूची बनाकर जीआर राशि का बंदरबांट कर दिया है। परानपुर के 12 पंचायत पूरी तरह बाढ़ से प्रभावित हुए थे, लेकिन कुछ ही लोगों को राहत की राशि दी गई है, जबकि अधिकतर लोगों को राशि नहीं मिलने से लोगों में आक्रोश है। साथ ही अब तक फसल क्षति को लेकर भी सर्वे नहीं हुआ है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जन्मदिन पर आयोजित राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर बिहार के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। पाटलिपुत्र खेल परिषद में हुए बिहार खेल सम्मान समारोह में एशियन कराटे चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली पटना की अनन्या आनंद को बिहार श्रेष्ठ खेल सम्मान से नवाजा गया। सम्मान राशि के रूप में अनन्या को 32 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। बिहार के गोपालगंज अंतर्गत नगर थाना क्षेत्र के गंडक विभाग के चीफ इंजीनियर मुरलीधर सिंह के आवास पर ठेकेदार रमा शंकर सिंह को जलाकर मार दिया गया। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि भुगतान के लिए चीफ इंजीनियर 15 लाख रुपए मांग रहे थे। घटना स्थल से किरोसिन तेल का गैलन और कई सामान बरामद हुआ है। वारदात के बाद से ही चीफ इंजीनियर फरार है, फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव में अभी अनुभव की कमी है, जबकि मेरा मुख्यमंत्री का काल बेहतर रहा था। चुनाव के बाद यदि महागठबंधन को बहुमत मिलता है और अगर मुझे नेता चुना जाता है तो मैं तैयार हूं। वहीं पूर्व सांसद पप्पू यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि वे इस बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि महागठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा ये बहुमत मिलने के बाद तय होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये मीडिया तय नहीं करती है, मुख्यमंत्री कौन होगा महागठबंधन के सभी घटक दल आपस में बैठकर तय करेंगे। पटना के सामान्य प्रशासन विभाग में कार्यरत पदाधिकारियों और कर्मचारियों को जींस और टी शर्ट पहनने पर रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार के अवर सचिव शिव महादेव प्रसाद की ओर से जारी बयान में कहा गया कि देखा जा रहा है कि विभाग में कार्यरत पदाधिकारी और कर्मचारी ऑफिस संस्कृति के खिलाफ अनौपचारिक ड्रेस पहनकर ऑफिस आते हैं, जो ऑफिस की गरिमा के खिलाफ है।